तो जी हाँ, जय हिंद भाई, सबको स्वागत है फिर से एक बार आपका। देखिए, 2 जिलों के 15 जूनियर हाई स्कूलों में होगी भर्तियां। आपको पता है कि जो शासकीय विद्यालय थे उनकी जो है भर्ती पे सरकार ने रोक लगा रखी थी। तो पहले सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों की रोक को जो है ओपन कर लिया था, और अब जो है जो शासकीय जो जूनियर हाई स्कूल जो शासकीय विद्यालय हैं उनमें भी जो है भर्तियाँ जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है ये जो है दैनिक जागरण में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के बाद अब जूनियर हाई स्कूलों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे 15 विद्यालयों में ठप पड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए अनुमति सरकार ने दे दी है। जो अशासकीय विद्यालय होते हैं उनमें जो है सरकार भर्तियां नहीं करती, उनमें जो वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है, वहाँ का जो प्रबंधन होता है, वही जो है भर्तियां करता है और अपने स्तर पर वो भर्तियां निकाल अपने स्तर पर जो है भर्तियों के लिए विज्ञप्ति देता है, उसके अनुसार वो वहाँ पर जो है भर्तियाँ होती थी। लेकिन ये देखा गया कि पिछले कुछ सालों में इस प्रक्रिया में बहुत ही बड़ी धांधली जो है होती थी धांधली जो है होती थी इंटरव्यू के नंबरों में धांधलियाँ होती थी, इसलिए सरकार ने कुछ टाइम के लिए इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर से इसको खोल दिया है। यहाँ पर देखिए कि इसमें शिक्षकों समेत करीब 100 पदों पर भर्तियां हो सकेंगी, लेकिन लगभग लगभग इसमें 130 के आसपास 130 के आसपास जो है शिक्षक और शिक्षक जो है टीचर्स की भर्तियां होंगी। यहाँ पर देखिए, शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर 15 सहायता प्राप्त शासकीय जूनियर विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया खोल दी है। इनमें हरिद्वार जिले में 11 और चमोली जिले में जो है 3 विद्यालय शामिल हैं। हरिद्वार जिले में शिक्षा यहाँ पे विद्यालयों के नाम दिए हुए हैं कौन कौन से स्कूलों में जो है भर्ती प्रक्रिया जो स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर देखिए, सब आपने यहाँ पर स्कूलों के नाम देख सकते हैं, पूरा नहीं में पढ़ रहा, ठीक है। जूनियर हाई स्कूल यहाँ पर गौरतलब है कि बीते जनवरी माह में सरकार ने 50 से अधिक सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों के पदों पर भर्तियों की अनुमति दी थी। दरअसल उक्त सभी विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया बीते वर्ष से लंबी थी। पहले लोकसभा चुनाव और फिर पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। अब जो है कभी भी इन स्कूलों में जो है शिक्षक और गैर शिक्षकों के पदों के लिए भर्तियाँ निकाली जा सकती हैं। तो आप जो है इन पर नज़र बनाए रखिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।